नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। पहाड़ों में दोपहर के बाद कई जगहों पर आज बारिश हुई। पौड़ी जिले में अचानक ही मौसम बदला, जिससे पूरे जिले में मूसलाधार बारिश देखने को मिली। पौड़ी के एकेश्वर और पाबौश क्षेत्र की कई हिस्सों में तेज बारिश हुई। बारिश की वजह से बैजरो क्षेत्र का पंचराड गदेरा उफान पर आ गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से गदेरे उफान पर आ गए। गदेरे का पानी सड़क पर तेजी से बहता नजर आ रहा है, ट्रैफिक इसकी वजह से बाधित हुआ। वहीं कई क्षेत्रों में बरसाती नाला भी सड़क पर बहने लगा। अचानक इतना ज्यादा पानी आने से लोग भी दहशत में आ गए। उत्तरकाशी से बड़ी खबर, यहां चिन्याली सौंड ब्लॉक में बारिश के बाद भारी तबाही हुई है। मूसलाधार बारिश के बाद बौणी गांव में कुछ घरों में मलबा घुस आया। गांव वालों के मवेशी घरों के अंदर फंस गए। हालांकि किसी भी तरह की जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन रास्ते तबाह हो गए और आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा है। गाँव वाले मलबा हटाने में जुटे हैं। और उत्तरकाशी में दोपहर के बाद मौसम बदलने के साथ साथ कई जगह तेज बारिश हुई, तो कुछ जगह ओलावृष्टि भी हुई है। ओले गिरने से किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा। धनारी क्षेत्र में भी मौसम बदलने के साथ साथ जमकर ओले गिरे और भारी नुकसान हुआ है। उधर नगर बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार मैक्स गाड़ी ने एक शख्स को जोरदार टक्कर मारी। बांसवाड़ा के पास सड़क हादसा हुआ, बुरी तरह से जख्मी हो गया वो शख्स। अस्पताल में फिलहाल इसका इलाज चल रहा है। हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसमें साफ देख सकते हैं कि ये इंसान सड़क के बिल्कुल किनारे चाय की दुकान पर खड़ा है, तभी बेकाबू मैक्स गाड़ी उसे टक्कर मारती हुई आगे निकल जाती है। मौके पर मौजूद लोगों ने घायल को फौरन ही अस्पताल में भर्ती करवाया। यमुनोत्री धाम में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। वहीं श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने कई नए नियम बनाए हैं, जिसके तहत यमुनोत्री धाम पहुंचने के बाद 60 मिनट के अंदर दर्शन कर लोगों को लौटना होगा जानकी चट्टी। प्रशासन का कहना है कि भारी भीड़ की वजह से ये फैसला लेना पड़ा है, ताकि बाहर से आ रहे सभी लोगों को धाम के दर्शन हो सके। तो हमने एक घंटे का टाइम दे रखा है कि एक घंटे के अंदर उनके दर्शन हो जाए और जो उनको स्नान पूरा हो जाए, और ताकि वो एक घंटे के अंदर फिर वापस आ जाए जानकी चट्टी। तो ऐसा करने से हम लोगों को क्या होगा कि हम ज़्यादा यात्री जो हमारे जानकी चट्टी में थोड़ा रुक रहे हैं, उनको जल्दी दर्शन हो जाएंगे और जो समय जो ज़्यादा बर्बाद हो रहा है उसमें हमारे बहुत अच्छा हो जाएगा, कमी आ जाएगी। चारधाम यात्रा में ट्रैफिक सबसे बड़ी समस्या है और चार बॉटलनेक रास्ते हैं, पुलिस के लिए चुनौती है ये। यात्रियों को यहां घंटों जाम में फंसना पड़ रहा है, जिसकी वजह से अब पुलिस इन एरियाज में गेट सिस्टम लागू करने जा रही है। इसी पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। चारधाम यात्रा अपने चरम पर है और यात्रियों को सबसे ज्यादा दिक्कतें जाम के चलते हो रही हैं, जिसका बड़ा कारण है बॉटलनेक, यानी कि जगह जहां पर सड़क संकरी है और ये बॉटलनेक चारों धामों के मार्गों पर स्थित है, जिसमें यात्रियों को कई बार तो 3 से 5 घंटे के जाम से भी दो चार होना पड़ रहा है। चारधाम रूट के यमुनोत्री मार्ग पर पालीगाड़ से लेकर जानकी चट्टी तक करीब 40 किलोमीटर का बॉटलनेक है। वही गंगोत्री मार्ग पर गंगनानी से सुकी टॉप से जाला तक करीब 25 किलोमीटर का बॉटलनेक। इसके साथ केदारनाथ मार्ग पर कुंड से लेकर गौरी कुंड तक करीब 40 किलोमीटर का बॉटलनेक है और बद्रीनाथ मार्ग पर हेलंग से लेकर लामबगड़ तक करीब 20 किलोमीटर तक सड़क संकरी है। वहीं संकरी सड़क यानी कि बॉटलनेक पर लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए पुलिस और होमगार्ड के जवानों को तैनात किया गया है, जो गेट सिस्टम के जरिए गाड़ियों को निकाल रहे हैं। वहीं आईजी गढ़वाल का कहना है कि बॉटलनेक के लिए प्रशासन को रिपोर्ट भेजी गई है और इन इलाकों को जल्द चौड़ा किया जाएगा। इसमें जैसे ही यातायात का दबाव ज्यादा बढ़ता है, तो उस समय वहाँ पर सब जगह पर कुछ दूरी पर हमारे पुलिस कर्मचारी, हमारे होमगार्ड
या PRD जवान, एक एक पुलिस, एक होमगार्ड, इस तरह से कम्बिनेशन करके लगा रखा है। सबके हाथ में वायरलेस सेट इत्यादि दिया गया है और यातायात को वन वे गेट सिस्टम बना देता है उसमें, कि एक तरफ से जब छोड़ा जाए दूसरी तरफ से छोड़ा ना जाए, बल्कि वहाँ एक किनारे लगा देता है। यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन सभी बॉटलनेक का चौड़ीकरण होना जरूरी है, जिससे आने वाले समय में बढ़ती यात्रा को चलाने के लिए किसी भी यात्री को जाम से दो चार ना होना पड़े। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। आदि कैलाश जाने वाले तीर्थयात्रियों को अब सिर्फ 4 दिन के लिए ही इनर लाइन पास जारी किया जाएगा। असल में यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पिथौरागढ़ प्रशासन ने यह फैसला लिया है। पहले 6 लेक से ऊपर जाने वालों को 15 दिन के लिए इनर लाइन पास जारी किया जाता था, लेकिन उच्च हिमालयी क्षेत्र में लोगों की बढ़ती तादाद और जरूरी सुविधाओं की कमी की वजह से अब ये फैसला लिया गया है। आदि कैलाश जाने वाले सैलानियों को धारचूला तहसील से इनर लाइन पास जारी होने के 4 दिन के भीतर लौटना होगा। प्रशासन ने इस सीजन में 4,500 से ज्यादा इनर लाइन पास जारी कर दिया है। चाइना बॉर्डर के करीब होने की वजह से सुरक्षा के नजरिए से भी इस इलाके में बिना इनर लाइन पास के जाने की अनुमति नहीं है। पहले ये 15 दिन के लिए इशू करते थे बाहर के टूरिस्ट के लिए, इस बार वहाँ की चूँकि टूरिस्ट काफ़ी बड़ी मात्रा में लोग आ रहे हैं, वहाँ पर रहने की भी अभी होम स्टेज में रहते हैं, और तो उसको देखते हुए 4 दिन का भी इनर लाइन परमिट इशू किया जा रहा है। दर हेमकुंड साहिब की यात्रा का आज ऋषिकेश से शुभारंभ हो गया। पंच प्यारों की अगुवाई में उत्तराखंड के गवर्नर गुरमीत सिंह ने पहले जत्थे को ऋषिकेश से रवाना किया। बड़ी संख्या में देश और विदेश से सिख श्रद्धालु यात्रा के लिए रवाना हुए और इस मौके पर गवर्नर गुरमीत सिंह ने संगतों का स्वागत किया। हेमकुंड में सेना के जवानों ने बर्फ हटाकर मार्ग ठीक कर दिया है, जबकि 25 मई से हेमकुंड साहिब के कपाट खुलेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी का तूफानी प्रचार अभियान जारी है। सीएम धामी ने आज हरियाणा के फरीदाबाद संसदीय सीट के लिए प्रचार किया। धामी ने यहां से बीजेपी प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर के लिए पहले रोड शो किया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए, फिर एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। सीएम धामी ने कहा कि 2014 से पहले भारत की पहचान एक दब्बू देश की हुआ करती थी, लेकिन पीएम मोदी ने आज भारत को दुनिया का सरमौन बनाया। कोई घटना होती है, एक था जब पूरी दुनिया के अंदर 2014 से पहले भारत एक डब्बू भारत और पिछलग्गू भारत के रूप में हमारी पहचान बन गई थी। भाइयों बहनों, आज उस डब्बू भारत और पिछलग्गू भारत से हमको बाहर निकालकर दुनिया का सिरमौर भारत बनाने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, देहरादून में मलिन बस्तियों पर कार्रवाई का मुद्दा शांत होता नहीं दिख रहा है। आज मलिन बस्ती के लोगों के साथ ही महानगर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, तो बीजेपी विधायक अब मुख्यमंत्री से मिलने की तैयारी में हैं। बुधवार को कांग्रेस ऑफिस से नगर निगम तक मलिन बस्ती के लोगों ने प्रदर्शन किया। महानगर कांग्रेस ने प्रदर्शन का समर्थन किया और बीजेपी सरकार पर घर उजाड़ने का आरोप लगाया। कांग्रेस के मुताबिक अभी 526 घरों को नोटिस मिले हैं, लेकिन सरकार कोई राहत नहीं दे रही, जबकि 2016 में हरीश रावत सरकार में कानून बन चुका था, लेकिन बीजेपी उस कानून लागू करने से बच रही है। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि NGT के आदेश पर रोक नहीं लगी तो अगली बार मुख्यमंत्री आवास घेराव होगा। कि हम जहाँ हैं हमें वहीं रहने दिया जाए, मालिकाना हक दिया जाए। हम गरीब लोग, हम लोग छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? पहले तो वाला क्या था, जो जहाँ रहेगा वो वहीं रहेगा, अब क्यों उजाड़ा जा रहा है? हमारा जो पहले से हम दादा पुरखा सब यहीं रहते थे, अब हम क्यों आगे कहीं जाए? हमारा यही घर है, हम यहीं रहेंगे, हक नहीं छोड़ेंगे, हमें मालिकाना हक चाहिए। 2016 में राज्य में कांग्रेस की सरकार ने बाकायदा कानून बना करके बस्ती के लोगों को मालिकाना हक देना शुरू किया था। 2017 में जब भाजपा की सरकार बनी, उन्होंने उस प्रक्रिया को रोक दिया और 2018 में हाई कोर्ट की आड़ में राज्य की बस्ती के लोगों को डराना धमकाना शुरू कर दिया। अगर सरकार नहीं चेती, राज्य व्यापी मलिन बस्तियों के लोगों को आह्वान किया जाएगा और मुख्यमंत्री आवास कूच किया जाएगा। मलिन बस्तियों में माहौल बदला है तो बीजेपी के वो विधायक टेंशन में है
जिनका वोट बैंक मलिन बस्तियों में है। राजपुर विधायक खजान दास का कहना है कि कांग्रेस लोगों को डरा रही है और जल्द मुख्यमंत्री से मुलाकात की जाएगी। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी इसमें विचार कर रहे हैं। तत्काल प्रभाव से हमने 6 साल का अध्यादेश भी लाया था और आगे भी को नियमित करने की बात कर रहे हैं और हम लोग कल माननीय शहरी विकास मंत्री जी से मिले और आने वाले समय में हम मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे। मलिन बस्तियों पर कार्रवाई के नाम पर हंगामा बढ़ता जा रहा है और अब आगे के फैसले के लिए बीजेपी और कांग्रेस की उम्मीदें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर टिकी हैं। न्यूज 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। बुधवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किरण माहरा रानीखेत पहुंचे, जहां से बीजेपी विधायक प्रमोद नैनवाल पर तंज कसते हुए कहा कि आखिर क्या कारण है जो सारे प्रकरण विधायक के खिलाफ हो रहे हैं। माहरा ने कहा कि प्रकाश जोशी का विवाद ग्राम प्रधान से भी आप ही के परिवार का झगड़ा होता है। महिला द्वारा जमीन कब्जाने और धमकाने के आरोप भी आप पर ही लगाए जाते हैं। कि क्या कारण है कि सारे प्रकरण आप ही के खिलाफ हो रहे हैं और आप चैलेंज कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को? क्या कारण था? प्रकाश जोशी के संग आप ही की झगड़ा होता है, भले ही प्रशासन ने उसी के खिलाफ एसटी का मुकदमा दर्ज कर दिया। दर कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल को पार्टी ने पंजाब में स्टार प्रचारकों में शामिल किया है। पंजाब के 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट में गणेश गोदियाल उत्तराखंड कांग्रेस से अकेले नेता हैं। पंजाब में पूर्व प्रभारी रहने के बावजूद पार्टी ने पूर्व सीएम हरीश रावत को वहां कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी। गणेश गोदियाल ने इससे पहले तकरीबन 2 हफ्ते रायबरेली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रचार में हिस्सा लिया। गोदियाल को जुलाई 2021 से मार्च 2022 तक उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी और इस बार पौड़ी लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार भी हैं। द कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से राजाजी पार्क लाए जा रहे टाइगर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट को बड़ा झटका लगा है। जिस 5वें और अंतिम बाघ को कॉर्बेट से राजाजी पार्क लाया जाना था, रामनगर के ढिकारा रेस्क्यू सेंटर में उसकी मौत हो गई। कॉर्बेट पार्क प्रशासन ने राजाजी लाने के लिए हफ्ते भर पहले इस टाइगर को कॉर्बेट के जंगलों से पकड़ा था। उसे इसी हफ्ते राजाजी में ट्रांसलोकेट किया जाना था। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन समीर सिन्हा ने बताया कि बाघ आपसी संघर्ष होने के कारण पहले से घायल था। उन्होंने कहा कि बाघ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। जिस समय उसको कैप्चर किया था तो उस समय दूसरे किसी से संघर्ष में उसको चोटें आई हुई थी और उपचार उसका किया जा रहा था, लेकिन मुझे अवगत कराया गया है कि उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। उसकी पोस्टमार्टम किया गया है और मृत्यु के कारणों की जांच की जा रही है। और अब पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। पहाड़ टॉप 10 में चमोली के गोपेश्वर के मल्ला नेगवाड़ में संदिग्ध परिस्थितियों में एक शव मिला। मृतक के गले और चेहरे पर चोट के नुकसान है, निशान है। परिजनों ने गुलदार के हमले की संभावना जताई। रामनगर के चोर पानी में वन विभाग ने बड़ी संख्या में यूकेलिप्टस की लकड़ी बरामद की है। ये लकड़ी वन विकास निगम की है, जिसे यहां उतार दिया गया था। अल्मोड़ा में मॉल रोड की खस्ता हाली पर विधायक जल निगम को का घेराव किया और लिखित आश्वासन के बाद विधायक घेराव खत्म किया। उत्तरकाशी की बथेड़ी बड़ेथी शराब की नई दुकान के युवाओं और महिलाओं ने विरोध करना शुरू कर दिया है। जल दुकान बंद कराने की मांग की। टेरी झील से सटे लाखड़ी धार और धौल धार क्षेत्र में गर्मी शुरू होते ही पानी की किल्लत से लोग परेशान होने लगे हैं। हैंडपंप खराब है तो कई जगहों पर प्राकृतिक सूख गए हैं। उत्तरकाशी के ग्लेशियर लेडी नाम से जाने वाली शांति ठाकुर ने 12 दिन की में बड़ी संख्या यात्रियों की भीड़ से हिमालय में बढ़ती गतिविधियों की चिंता जाहिर की। साथ में कोटद्वार शहर में ड्रेनेज की समस्या ना हो, साथ ही डेंगू मामले से बचाव के लिए नगर निगम की ओर से नालियों की सफाई का काम शुरू किया गया है। बागेश्वर के खूबसूरत हिल स्टेशन कौसानी में भी सैलानियों की संख्या बढ़ी है। मैदानी शहरों में गर्मी के साथ ही लोगों की संख्या यहां बढ़ने लगी है।
अल्मोड़ा के SSJ यूनिवर्सिटी में कला एवं संस्कृति पर एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें कई शोध पत्रों पर चर्चा की गई। जोशीमठ के रवि गांव में एक दुकान के अंदर कस्तूरी बिलाव घुस आया। कस्तूरी बिलाव उच्च हिमालयी क्षेत्र में रहता है, ये शहरी इलाकों में कम ही दिखता है। अल्मोड़ा शहर भी जोशीमठ की तरह ही एक पहाड़ पर बसा है, लेकिन यहां ड्रेनेज सिस्टम न होने की वजह से पानी शहर की जड़ों को खोखला कर रहा है। हालात ऐसे बन गए हैं कि तकरीबन एक साल पहले शुरू हुआ ड्रेनेज का काम अधूरा है और अब मॉनसून सीजन आने के बाद लोग दहशत में हैं। अल्मोड़ा की जनसंख्या तेजी से बढ़ी तो ड्रेनेज सिस्टम समेत दूसरी व्यवस्थाओं का विकास भी तेजी से होना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 9 महीने पहले ड्रेनेज सिस्टम को लेकर रास्ते खोदे गए, लेकिन ना तो ड्रेनेज सिस्टम बना और ना रास्ते ठीक हुए। 9 महीने हो गए इसको टूटे हुए, इतना रास्ता टूटा नहीं था। जब ये नाले का काम मंजूर हो गया, ये रास्ता तोड़ा गया है और उसके बाद से इतनी दिक्कत हो रही है। अब हमको जाने में इतनी परेशानी हो रही है जिसकी कोई हद नहीं, और नीचे से सरिया खड़ी कर रखी, माना कोई आदमी उसमें गिर गया तो नीचे से सरिया भी जोगी, आदमी है वह मर जाएगा। तो ये जो है विभाग की लापरवाही की बिल्कुल मतलब हद से पार कर दिया इन्होंने। ठेकेदार की लापरवाही से ड्रेनेज सिस्टम का कुछ ही काम हो पाया है, ऐसे में आने वाले बरसात के सीजन को लेकर भी लोग परेशान हैं। क्योंकि शासन ने एक टेंडर किया था और जिस कोई ठेका दिया गया था उसने यहाँ पर अधूरे काम को छोड़ दिया गया। इसके खिलाफ SC से और चीफ से वार्ता करी गई और उसके खिलाफ कार्रवाई की गई, विभागीय कार्रवाई के लिए आदेश दे दिए गए। ड्रेनेज की योजना थी, इसमें लगभग 18% काम अभी तक हुआ है और ठेकेदार द्वारा समय पर काम पूरा नहीं है। इसके लिए डेबिटेबल के माध्यम से काम कराने अथवा अनुबंध को टर्मिनेट करने के बारे में उच्च स्तर पर प्रकरण भेजा गया है। मानसून से पहले टूटे रास्तों को ही बनाना विभाग के सामने चुनौती है। दूसरी ओर ड्रेनेज सिस्टम का काम भी अधूरा है, जिससे लोग बेहद परेशान हैं। न्यूज 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। देहरादून के खलंगा में साल के जंगल अब नहीं कटेंगे। लोगों के भारी दबाव पर सरकारी मशीनरी ने साथ ही सियासतदानों ने भी यू लिया है और अब पेड़ों को पर्यावरण के लिए जरूरी बताया जा रहा है। उत्तराखंड में पिछले 24 सालों में 50,000 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी के लिए ट्रांसफर की जा चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा 20,000 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड अकेले देहरादून में ट्रांसफर की गई। जंगलों की अंधाधुंध कटान के खिलाफ अब जनता मुखर होकर आवाज उठाने लगी है। हाल के ऐसे दो उदाहरण हैं जब जन आंदोलनों के चलते सरकारी मशीनरी को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। पहला अल्मोड़ा में जागेश्वर धाम के जंगल और दूसरा देहरादून के खलंगा के जंगल। खलंगा के जंगलों में 2,000 से ज्यादा साल के पेड़ काटने की तैयारी हो रही थी, लेकिन इन दोनों जगहों पर युवाओं ने हल्ला बोला और इन बेशकीमती पेड़ को कटने से बचा लिया। हम तो इसे अपनी ही जीत नहीं देखते हैं, ये सिर्फ हमारी जीत नहीं है, ये हर उस जीव की जीत है जो धरती में सांस ले रहा है। ये जो आंदोलन है ये आंदोलन अभी चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं, और जरूर आपने जो एक स्टेप पीछे लिया है लेकिन आप जो बाकी जगह पर भी जो इस तरीके पर्यावरण का क्षरण हो रहा है उसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा और ग्रीन पॉलिसीज, ग्रीन इको पॉलिसीज गवर्नमेंट को लानी पड़ेंगी। विरोध का असर इतना हुआ कि नेताओं से लेकर सरकारी विभागों ने पूरे मामले में पलटी मार ली। स्थानीय विधायक उमेश शर्मा काउ जो हफ्ते भर पहले तक इस विरोध को राजनीतिक षड्यंत्र करार दे रहे थे, वो आल ठोक कर कह रहे हैं कि खलंगा के जंगलों को किसी भी कीमत पर कट नहीं दिया जाएगा। तो ठीक इसी स्टाइल में वन विभाग पूरे मामले से अनजान बनते हुए पेड़ों पर मार्किंग करने वाली एजेंसी पेयजल निर्माण को नोटिस सर्व कर कार्रवाई की चेतावनी देते हुए पूछ रहा है कि आपने किसकी इजाजत से पेड़ों के छिलान का काम किया। निरस्त होगा, हर हालत में होगा, क्योंकि हम इसको किसी भी तरह से नहीं बनने देंगे। हाँ, हमारा ये कहना है कि दूसरी जगह पानी जरूरी है। नहीं, ऐसा है, वन विभाग को तो अभी तक इसमें आधिकारिक रूप से इन्वॉल्व ही नहीं किया गया है, तो ये संभवतः मैंने भी मीडिया से ही वो किया है और थोड़ा DFO मसूरी जिनके कार्यक्षेत्र में था उनसे भी पता किया, तो उन्होंने बोला कि अभी वन विभाग का कोई इन्वॉल्वमेंट ऐसा नहीं हुआ है।
खरंगा के जंगलों में 5000 हेक्टेयर लैंड से पेड़ काटकर वहां सौंग बांध परियोजना का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाना था। पर्यावरणविदों, समाज सेवियों और युवाओं के प्रखर विरोध का ही नतीजा रहा कि ये लगभग तय हो चुका है कि खलंगा के जंगल अब नहीं काटे जाएंगे, यानी कि खलंगा में बनने वाला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अब कहीं और बनाया जाएगा। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 4 जून के बाद राहुल गांधी वेकेशन का प्लान तय कर लेंगे। पूरा इंटरव्यू देखिए आज रात 8 बजे। क्या आपको लगता है कि प्रियंका गांधी ने एक अपने कार्यक्रम में बोला कि इस बार रायबरेली की जनता जो है वो एक सांसद नहीं चुन रही, वो प्रधानमंत्री को चुन रही है, क्या आपको विपक्ष भी थोड़ा कॉन्फिडेंट हुआ है बीते 5 चरणों में? तो रायबरेली सीट जीतने के लिए शायद उन्होंने कहा होगा, वो भी जान रहे हैं, मुझे तो मालूम नहीं, मगर उनका वैकेशन का प्लान भी तय होगा 4 तारीख के बाद का। चुनाव में पहली बार न्यूज 18 आपके समक्ष लेके आ रहा है देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ बिताए हुए 14 घंटे। अब हम झालसगुड़ा से चलेंगे संभलपुर की तरफ। प्रियंका गांधी ने एक अपने कार्यक्रम में बोला कि इस बार रायबरेली की जनता जो है वो सिर्फ एक सांसद नहीं चुन रही, वो प्रधानमंत्री को चुन रही है, वो भी जान रहे हैं, उनका वैकेशन का प्लान भी तय होगा 4 तारीख के।